दोस्तों पहाड़ों में क्या होता है कि हमेशा अपने बाएं साइड ही चलना चाहिए। लोग गलती कर बैठते हैं, वो सोचते हैं कि बाएं साइड खाई वगैरह है तो उधर चले जाते हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि मोड़ों पर खासकर क्या होता है ना, मोड़ों पर अगर आप रॉन्ग साइड चलोगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्योंकि सामने से कोई अगर गाड़ी आ रही होती तो वो दिखाई नहीं देती मोड़ों पर, तो वो अगर आएगी आप भी रॉन्ग साइड चल लोगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मोड़ों पर जितने भी मोड़ आते हैं आपको हमेशा बाएं चलना है। मोड़ों पर आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, मोड़ों पर जितने भी मोड़ आएंगे आपको वहां पर गाड़ी पार्क कभी नहीं करनी है, स्टॉप भी नहीं करनी है गाड़ी, ठीक। तो आपको मोड़ों पर क्या करना है, हमेशा अपने बाई तरफ स्लो स्पीड में धीरे धीरे हॉर्न देते हुए आगे बढ़ना है। जितने भी मोड़ आएंगे आप हॉर्न दोगे वहां पर फिर चलोगे। मोड़ों पर ओवरटेक बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, कितनी ही इमरजेंसी क्यों ना हो मोड़ों पर ओवरटेक नहीं करना। मोड़ है ना हाँ यहाँ पर, जैसे ऑटो था यहाँ से तो मैं कर सकता था ना? हाँ यहाँ से दिख रहा है हमें, अगर जैसे अभी सामने देखो, अब जहां पर ऑटो पहुंच चुका है वहां पर से नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से हमें देखो उसके सामने का दिख नहीं रहा है। अगर हम रॉन्ग साइड चले जाएंगे तो चांसेस एक्सीडेंट के बढ़ जाएंगे, क्योंकि सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही होगी तो। इस वजह से ओवरटेक कहाँ करते हैं, जब आपको दूर तक 100 मीटर का आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से हिल एरिया शुरू होता हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, पहाड़ों में जिस गियर में चढ़ाई पे चढ़ती है उसी गियर में उतरना भी होता है। अभी यहाँ आपने पिकअप खत्म कर दिया, चलो उठाओ, रेस दो रेस दो, आप क्लच पे रेस। चढ़ाई पे गाड़ी रुक गई थी ना, पिकअप नहीं था ना ठीक, और आपने पिकअप बनाया नहीं, सेकंड गियर डाल दिया। पहले पिकअप बनाओ ना जल्दी। हाँ जल्दबाजी किस बात की है, पहले भी बोला है अगर जल्दबाजी है तो जल्दबाजी है तो घर जाओ, घर से जल्दी आओ। दोनों तरफ ध्यान देना, यहाँ पर ऐसे मोड़ों पर खासकर दूसरे, ये भाई साहब देखो कहाँ से ओवरटेक करते हुए गए। तो पहाड़ों पे जिस गियर में गाड़ी चलती है उतरते भी उसी में है। ज्यादातर पहाड़ों पे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड बस यही तीन गियर यूज करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप गियर बढ़ाओगे, अगर आप तीसरा गियर डालोगे तो तीसरे गियर की ही स्पीड रखनी होगी, चौथा गियर डालोगे तो चौथे गियर की स्पीड रखनी होगी। तो जिससे कि अगर आप मोड़ों पर स्पीड बढ़ाओगे तो एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। तो ये ध्यान देना, अभी यहाँ पर इन्होंने दूसरा गियर डाला हुआ है, दूसरे गियर में चल रहे हैं हम। देखो इसी वजह से मोड़ों पर ओवरटेक नहीं करते हैं, सामने से वाहन आते हैं। बहुत बढ़िया, एक आप गलती कर रहे हो कि हॉर्न नहीं दे रहे हो। हाँ अभी यहाँ पर हॉर्न दो ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी हर बार हॉर्न दे रहा है ना मोड़ पर, तो मोड़ों पर हॉर्न क्यों दे रहे हो, दिक्कत हो रही है? बहुत बढ़िया और सही स्पीड में चल रहे हो। हमेशा ध्यान रहे जैसे कि सामने से स्पीड में आ रहे हैं, ज्यादा बाएं भी नहीं जाना है, सड़क पे है आपकी, कच्चे में नहीं जाना होता है। कभी कभी पहाड़ों में होता है कि लैंडस्लाइड होने का खतरा रहता है ना, सड़क कमजोर हो जाती है, तो ज्यादा नीचे भी नहीं जाना है, उतर जाए। दोस्तों अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, जिसका नाम है बीके मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। धन्यवाद।